हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैजिक बॉक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंसर्शन सॉर्टिंग के एल्गोरिथम को समझेंगे। आपके कहने पर मैंने ये इंसर्शन सॉर्टिंग की वीडियो बनाई है। वैसे मैंने इंसर्शन सॉर्ट की पहले एक वीडियो निकाली थी, जिसमें मैंने एग्जाम्पल के साथ पूरे कंसेप्ट को डिटेल में समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इंसर्शन सॉर्टिंग के एल्गो को देखते हैं। दोस्तों, इस सॉर्टिंग टेक्निक में हम लॉजिकली लिस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड। ये तो आपको पता ही होगा। तो चलिए स्टेप वन क्या होगा इसमें। स्टेप वन होगा, इफ़ इट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट। अगर सोच लीजिए आपकी लिस्ट में एक ही एलिमेंट है, लेट अस सपोज, तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। और ये स्टेप जो है वो ऑलरेडी एक एग्जिट कंडीशन भी है इस एल्गो की। तो स्टेप टू क्या होगा, उसके बाद हमें क्या करना है, एक एलिमेंट पिक नेक्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड सबलिस्ट। इसका मतलब है कि हमें अगला जो एलिमेंट है, मतलब जो अनसॉर्टेड लिस्ट में आएगा, तो अनसॉर्टेड लिस्ट से अब हमें क्या करना है, एक एलिमेंट पिक करना है। ठीक, थर्ड स्टेप है, अब जो हमने एलिमेंट पिक किया है उस एलिमेंट को हम सॉर्टेड सबलिस्ट के हर एक एलिमेंट से कंपेयर करेंगे कि वो ग्रेटर है या स्मॉलर है। क्योंकि ग्रेटर होगा तो वो पिक्ड एलिमेंट हमें उन एलिमेंट्स से पहले इंसर्ट करवाना होगा, और अगर स्मॉलर होगा तो उसके बाद में। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, कंपेयर करना है विद ऑल द एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड सबलिस्ट। अगला स्टेप है, शिफ्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड सबलिस्ट। मीन्स अब क्या करना है, अब हमने कंपेयर कर लिया, देखिए तो जितने भी एलिमेंट्स सॉर्टेड सबलिस्ट में उस एलिमेंट से ग्रेटर हैं उनको राइट साइड में, उनको मतलब शिफ्ट करना है आपको। ठीक है, क्योंकि वो एलिमेंट जो हमने आ रहा पिक्ड एलिमेंट, अगर वो छोटा है तो ऑब्वियसली वो उन सब एलिमेंट से पहले इंसर्ट होने वाला है। ठीक, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा एलिमेंट्स को। अगला स्टेप है, इंसर्ट द वैल्यू। अब प्लेस क्रिएट हो गया, अब वैल्यू इंसर्ट कर देनी है। अगला स्टेप है, लास्ट स्टेप, रिपीट दिस, ये स्टेप्स रिपीट अंटिल द लिस्ट इज सॉर्टेड। मीन्स इन स्टेप्स को तब तक रिपीट करना है जब तक कि आपकी लिस्ट जो है सॉर्ट हो नहीं जाती। मीन्स कि जो अनसॉर्टेड लिस्ट है वो पूरी तरह से, जिसमें उसमें एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा, तब तक हमें ये स्टेप्स जो है रिपीट करने हैं। ठीक, आई होप आपको ये इंसर्शन सॉर्टिंग का एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो मेरे पहले वीडियो का लिंक है इंसर्शन सॉर्टिंग का, जिसमें मैंने पूरे कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल समझाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस। बाय।